हे दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए फिट फॉर इट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, कभी आपके मुंह से शब्द निकले हैं, यार अब भलाई का जमाना नहीं रहा। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों, ये शब्द आपने कभी ना कभी जरूर बोले होंगे। लेकिन यदि आप आचार्य चाणक्य के दिए इन निर्देशों को सुन लेंगे और गुण लेंगे, तो शायद आपकी ज़िंदगी में आपको ये शब्द दोहराने ना पड़े। हालांकि भलाई करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है, पर जब भी आप कभी भलाई करके धोखा खा जाते हैं, तो आपको काफ़ी पीड़ा होती है। और यदि आपकी वजह से किसी के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ जाए, तो यह एहसास सचमुच आपके जीवन में ऊर्जा भर देता है। तो आज से भलाई करने से पहले आचार्य चाणक्य की कुछ बातें जरूर ध्यान रखें। आचार्य चाणक्य की नीति में तीन ऐसे लोगों के विषय में बताया गया है जिनका भला करने से आपको दुख मिलने की संभावनाएं बहुत अधिक रहती हैं। चाणक्य के अनुसार इन तीन लोगों से सदैव दूर रहने में आपकी भलाई है। नंबर 1, मूर्खा शिष्योपदेशेन, अर्थात मूर्ख शिष्य को उपदेश देना। आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि कोई स्त्री या पुरुष मूर्ख है, तो उसे आपको ज्ञान या उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप तो अपने ज्ञान के माध्यम से मूर्ख की भलाई करना चाहते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति इस बात को नहीं समझेगा और व्यर्थ के तर्क वितर्क करने लगेगा, जिसकी वजह से आपके समय की बर्बादी तो होगी ही, साथ में आपको मानसिक तनाव भी झेलना पड़ता है। नंबर 2, दुष्टा स्त्री भरनेन, अर्थात दुष्ट स्वभाव की स्त्री का भरण पोषण करना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो स्त्री चरित्रहीन हो, या कड़वा बोलने वाली हो, या बुरे स्वभाव वाली हो, उसका भरण पोषण करने वाले पुरुष को कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। वह स्त्री केवल आपके पास निहित स्वार्थ के लिए होती है। ऐसी स्त्री के संपर्क में आने से सज्जन पुरुष को समाज और घर परिवार में अपयश ही प्राप्त होता है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने इस प्रकार की स्त्रियों से दूर रहने की सलाह दी है। नंबर 3, जो व्यक्ति सदैव अकारण दुखी रहता है, उससे भी दूर रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य मानते हैं कि जो लोग बिना किसी वजह के हमेशा दुखी रहते हैं और अपने सुखों से कभी संतुष्ट नहीं होते हुए सदैव विलाप करते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ रहने पर हमें भी दुख की प्राप्ति होती है। इस तरह के लोग हमेशा दूसरों के सुख से ईर्ष्या करते हैं और उन्हें कोसते रहते हैं। इस तरह के लोगों को अपने सुख से आनंद नहीं मिलता है, बल्कि दूसरों को सुखी देखकर दुखी रहते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार इस तरह के लोगों से दूर रहने में ही हमारी भलाई होती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के ये विचार कैसे लगे आपको? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।